नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस स्टूडियो से कर्नल सौमित्रो दत्त सर से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाला हूँ मैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, कर्नल सौमित्रो दत्त सर एक GTO हैं, एक इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, एक वेटरन है, और सर के तजुर्बे की आज हम बात करेंगे। आज सर के तजुर्बे से हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब सुनेंगे। सर, सवाल कुछ ऐसा है, ईयर ऑन ईयर लोगों की गाड़ियां बदल गई, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बदल गया, लोगों के मोबाइल बदल गए, आज हर एक इंसान के पास स्मार्टफोन आ गया है, लोगों का रहना सहना पढ़ने का तरीका भी ऑफलाइन से ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल हो गया, लेकिन SSB का वही प्रोसेस 5 दिन का है, वही पहले दिन स्क्रीनिंग में 70% कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं, वही SSB का पास रेट 3.6% ही है। सर, आपको नहीं लगता कि वी रिक्वायर द चेंज इन SSB प्रोसेस? आपको नहीं लगता कि चेंज इज एसेंशियल इन SSB ऑल्सो? मतलब आज भी वही 5 दिन का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का प्रोसेस, वही स्क्रीनिंग, वही साइकोलॉजिकल टेस्ट, वही GTO, वही इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, मतलब जब सब चीज़ें बदल गई सर, यहाँ तक कि आई एम श्योर आपने भी अपना फ़ोन बदल लिया होगा, मैंने अपना फ़ोन बदल लिया, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्होंने अपने फ़ोन्स बदल लिए, उन्होंने पढ़ाई का तरीका बदल दिया, तो सर वाई इज़ दिस दैट SSB अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आया? पहली बार तो धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ और आपके साथ अपने जो सोच और विचार हैं वो बाँट सकूँ। जी सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अकेले व्यक्तिगत रूप से तो ये नहीं कह सकता कि हाँ बिल्कुल इसको बदल देना चाहिए या कुछ जी, परंतु ये भी सत्य है कि अंग्रेजी में कहते हैं कि द ओनली कॉन्स्टेंट इन द वर्ल्ड इज चेंज, तो बदलाव ही एक ऐसा चीज़ है जो हरदम होता रहता है। चलिए SSB पे आ जाते हैं। आपने बताया कि परसेंटेज ईयर ऑन ईयर, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये परसेंटेज निकालना, ईयर ऑन ईयर निकालना, ये तो स्टैटिस्टिक्स वाली बात हो गई, लोग शायद सफल नहीं हो पा रहे हैं इसलिए कारण ढूंढ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप तैयार हैं और आपने आपको प्रमाणित किया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको SSB से वापस ऐसे ही भेज दिया जाएगा। आप प्रमाण दीजिए कि आप योग्य हैं, आपको बिल्कुल लिया जाएगा। तो मेरे सोच के अनुसार ये परसेंटेज उतने मायने नहीं रखते। हाँ, अब हमारी देश की जनसंख्या बढ़ गई है, सबको पता है, तो उसी तरीके से निवेदक भी बढ़ गए हैं। जबकि हाँ, अगर आप प्रतिशत की बात करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि निवेदक ज़्यादा हैं या कम है, परसेंटेज तो परसेंटेज है, अनुपात जिसे कहते हैं, जो भी हो। तो अच्छा, अब आपने बताया कि भी मोबाइल फ़ोन बदल गया, गाड़ी बदल गई, शर्ट पैंट बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन वो SSB का प्रोसेस नहीं बदला। सवाल मेरा यही है सर, प्रोसेस वही है। हाँ, परंतु मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि वहाँ पे मिलने वाले उत्तर और जवाब वो तो बदल गए ना, मतलब वो तो बदल गए, उसका जो स्तर था या जिस प्रकार की उत्तर वहाँ मिलते थे, रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं, वो सब बदल गया है। तो उनको भी पता है कि भाई बदलाव है और के बदलाव से हमें किस तरह से बदलना है। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आजकल बच्चा जन्म होता है उसको मोबाइल पता है, तो उसके लिए मोबाइल कोई नई चीज़ नहीं है, बोलो मोबाइल 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 है, सबके पास होता है, सब जगह होता है, परंतु कहीं पे अगर न मिले तो फिर वो नहीं जानता वो क्या करे। हमारा जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उसने तो पता नहीं कितने प्रकार के फ़ोन देखे, तो वापस वहीं पे आ गए जहाँ पे आप कह रहे हो कि सब कुछ बदल गया है। तो SSB का जो है ये एक अंग्रेजी में जो कहते हैं टाइम टेस्टेड, समय के साथ इसका बहुत वो
देखा गया है और उनको समझ में आ गया है कि ये बिल्कुल ठीक है। अब 5 दिन अगर है तो भी यहाँ पे व्यक्ति का या जो भी अभ्यर्थी कैंडिडेट उसका मूल्यांकन हो रहा है, किया जा रहा है कि वो सेना में जाने अधिकारी बनने योग्य है या नहीं, उनके अपने पैरामीटर्स हैं, अपने मापदंड है जी। ठीक है, तो उसका ये मतलब नहीं कि जो SSB में उत्तीर्ण नहीं हुआ वो समाज में कोई लायक नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वो उससे और बहुत अच्छे अच्छे काम करें और करते भी हैं, ऐसी बात नहीं। तो इसको नहीं समझ लेना जी कि SSB में नहीं हुआ तो मतलब कहीं कुछ नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा। फिर वापस चले आते हैं आप जो कह रहे हैं कि प्रोसीजर वही है। प्रोसीजर तो वही है, मतलब जो क्रियाएं आपको करनी है वो वही है, लेकिन जो क्रियाओं का जो इनपुट है, जैसे मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है, जैसे PPDT है तो उसमें आपको जो पिक्चर दिखाए जाते हैं वो अलग ढंग के हो गए हैं, वो और आजकल के आधुनिक हो गए हैं, समय के साथ उनको बदलना पड़ता है। उसी तरीके से सिचुएशन रिएक्शन जो है उसमें भी बदलाव आ गया है, उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले आजकल कोई नहीं पूछता कि आप साइकिल से जा रहे हो और आपका साइकिल पंचर हो गया तो आप क्या करोगे। आज से 20-25 साल पहले साइकिल का प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन आज नहीं, क्योंकि कोई साइकिल पे बहुत कम लोग चलते हैं, और ऐसे बहुत अभ्यर्थी हो सकते हैं जिन्होंने साइकिल चढ़ाई ना हो, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये कहना तो गलत होगा कि अरे तुम साइकिल नहीं चढ़े, अरे भाई जरूरत नहीं पड़ी, नहीं हुआ। लेकिन हाँ, स्कूटर चलाना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो अलग बात है। तो इस तरीके से उसी प्रकार से आप देख लीजिए, जो इंटरव्यूअर है, साक्षात्कार है, वो जब बात करते हैं तो उनको भी अपने लेवल ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने बदल दिए हैं, बदलना पड़ेगा। लेकिन मेथडोलॉजी अभी भी वही रखी है, समय के साथ वो भी चल रहे हैं, उनको भी पता है कि आपके पास आजकल जो अभ्यर्थी के पास जो जानकारी है वो आज से 20 साल पहले तो नहीं थी, तो मतलब आपको ज्यादा जानकारी आपके पास होनी चाहिए, आज के कैंडिडेट समझ होनी चाहिए, अवेयरनेस समझ होनी चाहिए। तो वही चीज वो मूल्यांकन करेंगे कि भैया आपके पास इतने साधन है आपको क्या कहते हैं, अपने नॉलेज बढ़ाने का, अपने ज्ञान बढ़ाने का, इतना क्या आप उसका सही उपयोग कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि जो मूल्यांकन करता है SSRs हैं वो समय के साथ नहीं बदले हैं, वो समय के साथ ही चल रहे हैं। आपका जो भी ग्रुप डिस्कशन होगा वो आज से 20 साल पुराना कोई टॉपिक नहीं होगा, वो आज का ही टॉपिक होगा, है। उसी तरीके से ग्रुप प्लानिंग में भी उसी तरीके से बनाया जाता है। तो इस आप इस भ्रम में न रहिए कि इसको बदल देना चाहिए या ये समय के साथ ये अब बिल्कुल बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी बहुत ही सफल कार्यक्रम है और ये प्रोग्राम है और ये तो बट बीइंग अ GTO आपको नहीं लगता कि कैंडिडेट के हम 2 दिन ज़बरदस्ती खींचे जा रहे हैं नौ टास्क में? अच्छा, आप जैसे साइकोलॉजिस्ट 1 दिन में रैप अप कर गए, जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर 1 दिन में रैप अप कर गए, क्या GTO भी 1 दिन में रैप अप कर सकते हैं? ये मैं बता दूं कि ये जो है बहुत वैज्ञानिक तरीके से इसको बनाया गया है, और अगर पूरे 9 के 9 कार्य करवा दिया जाए एक ही दिन में तो अभ्यर्थी बहुत ही परेशान हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात यह है कि हमें अपने देश का जो वेदर क्लाइमेट है, वातावरण है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। गर्मियों में अगर पूरे 9 के 9 क्रियाएं करवा दिए जाएं तो वो निश्चित रूप से कई अभ्यर्थी शायद बीमार पड़ जाएं, क्योंकि सुबह शुरू होके वो जब तक होगा तो आप इलाहाबाद जैसे जगह में या भोपाल जैसे जगह में बहुत गर्मी होती है और वो नहीं सही से कर पाएंगे, और फिर वो मुड़ के यही बोलेंगे कि सर आपने सारे क्यों करवा दिए एक दिन, हम थोड़ा रेस्ट तो देते हैं। तो वही रेस्ट देने का कारण है। हाँ, तो ये देखिए SSB जो है वो अपने अभ्यर्थियों के प्रति बहुत संवेदनशील है, और ना भी सिलेक्शन बोर्ड है, रिजेक्शन बोर्ड नहीं है, तो उस पर आप विश्वास कीजिए, जाइए तैयारी करके, वो वहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा तो प्रमाण दीजिए, बाकी काम वो ज़रूर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कहते हैं ना एस्पिरेंट्स की ओल्ड इज गोल्ड,
सर की बातों से एक ही निष्कर्ष निकला कि भैया इट इज़ अ टाइम टेस्टेड प्रोसीजर, इट इज़ अ ओल्ड टेक्निक और एक ऐसी टेक्निक है जिसने फौज को उच्च क्लास के हाई स्टैंडर्ड्स के ऑफिसर्स नहीं है, इसलिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बदलाव नहीं मांगता। आज सर ने ये प्रूव कर दिया कि SSB प्रोसेस बदलाव नहीं मांगता, जबकि अक्सर मैं सर से डिबेट करता हूँ कि सर IAS का इंटरव्यू एक दिन का होता है, बड़े बड़े फौज के बड़े बड़े सीनियर साइंटिस्ट के इंटरव्यू, इसरो का इंटरव्यू, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इंटरव्यू एक दिन का होता है, लेकिन फौज का इंटरव्यू 5 दिन का होता है। शायद सर की वो जो पुरानी नॉलेज है DIPR वाली, जो GTO टेक्निक आपको सिखाई गई थी सर, मुझे लगता है कि वो टेक्निक इतनी अच्छी टेक्निक थी कि उसको अब कोई बदलना नहीं चाहता, कोई रिफॉर्मेशन नहीं चाहता। देखिए उसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि प्रश्न बदल गए हैं आज के इससे, तो सिर्फ ढांचा वही पुराना रह गया है, बाकी अंदर से तो सब कुछ बदल गया है। आप देखिए SSB क्यों नहीं बदला। आप कहते हैं कि भाई पहले PPTT में चित्र दिखाते थे, आजकल आधुनिक तकनीक से आपको सीधा स्क्रीन में आपको इमेज दिखाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड हो गया है ना। उसी तरीके से WATE भी बहुत पुराने ढंग से चलता था, आजकल वो भी आधुनिक कर दिया गया है। तो टेक्नोलॉजी इम्पोज कर दी है लेकिन प्रोसेस वही का वही रखा है। प्रोसेस वही है और प्रोसेस अंदर वाला सब कुछ बदल गया है, सिर्फ बाहर का ढांचा वही रह गया है। तो जो फ्रेम है वो वही रह गया, क्योंकि फ्रेम ही ताकत देता है। अगर आपका जो ढांचा है वो कमज़ोर होगा तो सब कुछ चरमरा जाएगा। यहाँ ढांचा बिल्कुल ठोस है और सही है, और अंदर का प्रोसीजर समय के साथ साथ बदल चुका है। आप भी समय के साथ बदलिए और समझिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। सर इज ऑफन नोन एज आउटस्पोकन पर्सन, चीज़ों को घुमाते फिराते नहीं, तभी शायद कर्नल साहब हैं। आपको और आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने कहा है ये मेरी व्यक्तिगत सोच है जी, और आप या आपके दर्शक बहुत ऐसे हो सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ उससे वो सहमत ना हो, लेकिन अब जो भी है वो है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। कहते हैं ना, यू कैन नॉट टेक आउट फौज फ्रॉम अ फौजी ऑफिसर, और सर की बातों से यही चीज़ झलकती है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आशा करते हैं कि आपको हमारे इस डिस्कशन से कुछ लेसन सीखने को मिले हो। अगर आप भी एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं, फौज में अफसर बनना चाहते हैं, तो त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग रेगुलर रिटन क्लासेस एंड SSB इंटरव्यूज के क्लासेस देते हैं। पिछले 20 सालों में 650 से ज़्यादा अधिकारी फौज को दे चुके हैं और गिनती अभी भी चालू है। अगर आपका सपना भी सेना में अफसर बनने का है तो आई एम श्योर यू शुड फॉलो दीज सीरीज ऑफ वीडियोस। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस अकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।